तो साहब लिस्ट तो आपने देख ली होगी, हमारे सुजान भाई भी और अमीज भी और फलाना भी और रुबिका भी। भैया हम तो दाल भात खाते हैं, लो तुम भी खा लो, ये कहते हो क्या? अरे यार अगर तुम हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इस तरह की बहसों में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, तो टीवी पे चमकने के लिए 2% की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई? आना बंद कर दो। जबान सवाल के बात करो रिजवान, जिस तरीके की पटनी का मुजाहरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाहल नाजेबा। बोला गटर छापों ने कमेटी बना के बोला कि भैया हम रिजवान अहमद के साथ डिबेट में नहीं आएंगे, बदतमीजी करता है। दो कौड़ी के प्रवक्ताओं, तुम लोग की प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें हर गेंद खेलनी है जो मोदी फेंक रहा है। तुम तो यार अगर मोदी जी 270 सीट जीतते हो ना, तो तुम तो धक्का मार मार के उन्हें 310 पहुंचा देते हो। तुम ऐसा ओपोजिशन हो इस देश का, क्यों कराए थे कॉमनवेल्थ? बड़े जाहिल मूर्ख, कसम से दो कौड़ी के लोग हो तुम लोग कि साहब G20 से फायदा क्या हुआ, पैसे लग गए। अबे 26 जनवरी की परेड में भी बहुत पैसे लगते हैं, वो भी बंद करवा दो ना। तो साहब बधाई हो, मुबारक हो कांग्रेस ने, यार देखो भाजपा नहीं मानती, कांग्रेस मान गई, कांग्रेस ने आपकी भाई की राय मान ली जो मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को दी थी। किसको लेकर? कि भैया ऐसे डिबेट, ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार करो ना, चेहरा चमकाने का है आ जाते हो, धूल चेहरे पर है और शीशे का बॉयकॉट कर रहे हो। पत्रकारों का बॉयकॉट छोड़ो, बस ये देखो कि 2014 और 2019 की तरह ये जनता तुम्हारा बॉयकॉट ना करे। तो भाई मुद्दा यही है कि विपक्ष ने रिजवान अहमद की राय आखिर मान ली है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? गुड। तो साहब लिस्ट तो आपने देख ली होगी, हमारे सुजान भाई भी और अमीज भी और फलाना भी और रुबिका भी, अर्नब भी, सब इसके लपेटे में आ गए। इनकी इतनी औकात नहीं है, अगर बॉयकॉट करना है पूरे चैनल का करो ना, पूरे चैनल का करो कि साहब ये पत्रकार, तुम तो कहते थे पूरे के पूरे चैनल बिके हुए हैं, तो अगर पूरे के पूरे चैनल बिके हुए हैं तो उस चैनल में चुनिंदा एक या दो ही का क्यों किया? वो तुमने इस मारे किया मैं बता दूं, क्योंकि तुम्हें उस चैनल पर आके चमकना भी है और एक दिन थूक के चाटोगे। और साथ में ये भी बोल रहे हो कि साहब अगर ये सुधर जाते हैं तो हम पुनर्विचार करेंगे। और ये बॉयकॉट की परंपरा पहली बार नहीं हुई है, ये आपके भाई के साथ भी हो चुकी है। याद है ना, 2 महीने पहले बताया था कि 16 गटर छापों ने कमेटी बना के बोला कि भैया हम रिजवान अहमद के साथ डिबेट में नहीं आएंगे, बदतमीजी करता है। बदतमीजी नहीं करता है, तुम्हारे कुर्ते और तुम्हारे पाजामे के धागे नोचता है। और हाँ, दो कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी आपके भाई का बॉयकॉट कर रखा है। एक तो पवन खेड़ा जी की जो बहन है राधिका खेड़ा जी, वो कहती है मैं इस आदमी के साथ नहीं आऊंगी। और वो हमारा दूसरा यूपी का छुटपैया प्रवक्ता कांग्रेस का राजपूत, इसी को मैंने ये सलाह दी थी। क्या सलाह दी थी? बहुत मस्त डिबेट था, आग लगा दी थी, आग बिना पेट्रोल बिना माचिस के। देखो एक मिनट सुना, अब जब मैं बोल रहा था तो किस्मत के मारे ये राजपूत जी बैकड्रॉप में हंसने लगे। ओहो, मैंने कहा भाई हंसी तो पे मेरा कॉपीराइट है, मेरा USP है। तुमने अपने मन में, मैंने सोचा हंसी में कैसे पंगा ले लिया, तुम्हें तो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 60 सेकंड हंसना पड़ेगा, यहाँ तो मोटर लगी है। शुरू में जो मुस्कुरा के कूल टेम्परमेंट दिखा रहे थे, अरे हमने कहा लानत है हम पर अगर हम तुम्हें कूल रहने दें। 100% बहस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद और ये सब है, इसमें सच में बारूद बिछा दिया है। ओके, 2% के लोग, 0% के लोग
इनको आप हमारे साथ भिड़ाते हैं, तो मेरे साथ मुझे एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऐसे लोगों की बात का तो जवाब मत मांगा कीजिए। ठीक है ओके 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 रिजवान रिजवान 30 सेकेंड। हाँ 10 सेकेंड। जी जी रिजवान। अमीश भाई बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं, आपके आप बड़ा प्यार करते हैं हमसे, आपके कोऑर्डिनेटर अक्सर हमें फोन करते हैं, हम सुनते हैं, हम कहते हैं नहीं 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 ये टॉपिक मुझे सूट नहीं कर रहा, नहीं 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 मैं इस टॉपिक में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बहुत अक्सर होता है सब चैनल के साथ। अमीश भाई अरे यार अगर तुम हिंदू मुस्लिम में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इस तरह की बहसों में इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर तुम इसको महत्वपूर्ण नहीं मानते हो, तो टीवी पे चमकने के लिए 2% की पार्टी होने के बावजूद आ क्यों जाते हो भाई, आना बंद कर दो। जबान सवाल के बात करो रिजवान, जिस तरीके की बदतमीजी का मुजाहरा तुम कर रहे हो, तुम इस वक्त बिल्कुल नाहल नाजेबा और बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। अगर मैं तुम्हारी बुलाते बुलाते हैं, उनको भी बुलाते हैं, पता नहीं किस माँ बाप के बच्चे हो तुम। देखिए इतना अच्छा क्या गलत सलाह दी थी मैंने इससे, यही पूछा अगर तुम लोग ये कहते हो कि ये मीडिया हिंदू मुस्लिम करता है, तो अबे चेहरा चमकाने के लिए आ क्यों जाते हो उस डिबेट में, तुम्हें तो पहले टॉपिक बता दिया जाता है ना, तो मना कर दो आने के लिए। तो अब जाके 10 महीने बाद ये बात मानी, और जब मैंने बोला और अगला कैसे चिढ़ा ये आप देख चुके हैं। तुम ना करो, तुम ना जाओ, तुम बेवकूफी के काम ना करो। कोई भी डिबेट ऐसा नहीं होता जो समाज से जुड़ा हुआ ना हो, कोई ना कोई चीज समाज में होती है जिस पर डिबेट होता है। और तुम जो लोग कहते हो ये हिंदू मुस्लिम पर डिबेट होता है, इस पर डिबेट होता है, इकोनॉमिक्स पर होना चाहिए, इन्फ्लेशन पर होना चाहिए, सेंसेक्स पर होना चाहिए कहते हो ना, तो अबे एस फॉर सूथियों इसके चैनल अलग हैं जिनके तुमको नाम भी नहीं पता होंगे। हर इंपॉर्टेंट चैनल में एक बिजनेस चैनल होता है, जाओ ना वहां की एनालिसिस देखो, जाओ ना वहां की न्यूज देखो, जाओ ना वहां की ताजी खबरें देखो, कौन सा शेयर उठ रहा है, कौन सा शेयर गिर रहा है, वो तुम नहीं देखोगे। तुम्हें क्योंकि तुमको भी मजा हिंदू मुस्लिम में आता है, तो जब तुम्हारे ही चुन्ने काटते हैं कि तुम्हें हिंदू मुस्लिम ही का डिबेट देखना है, तुम्हें हिंदू मुस्लिम के डिबेट में ही आना है बदतमीजी करने के लिए, और बाद में फिर तुम उसका बॉयकॉट करते हो। बेवकूफी की बात करनी बंद कर दो, किसी पत्रकार की हैसियत या औकात नहीं है जो तुम्हारे साथ गलत मुद्दे पर या गलत तरीके से तुमसे बात करें। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, कमल अपना मैं उदाहरण देता हूं कि कितना मूर्ख है यह ऑपोजिशन। अरे देश इंतजार कर रहा है किसी अच्छे नेता का, किसी अच्छे विपक्ष का, मजा आएगा, अच्छी बहस होगी, सकारात्मक बहस होगी, सकारात्मक आलोचना होगी, लेकिन तुम लोगों को यार तमीज नहीं है और दोष दे देते हो मीडिया को। कमल अपना राष्ट्रीय फूल है, ठीक, नेशनल फ्लावर। यार तुमको भी तो भाजपा से पहले मौका मिला था ना कि इसको अपना पॉलिटिकल पार्टी का चिन्ह बना लेते, तुमको मिला था ना, तुम बना लेते। उन्होंने एक ऐसी चतुराई करी, उन्होंने क्योंकि भविष्य देखा कि कमल जहां चाहो फिट कर दो। अब मोदी जी जब गेस्ट का स्वागत कर रहे थे G20 में, अगर मोदी जी हर गेस्ट को वेलकम कमल देते मान लो, तो क्या तुम उसका विपक्ष विरोध कर पाते? अब तुम हाथी तो दे नहीं सकते, अब तुम साइकिल तो दे नहीं सकते, अब तुम किसी का हाथ का पंजा तो दे नहीं सकते। तो जब एक पार्टी ने इतनी चतुराई करी कि उसको पता था कि भारत में कमल हर जगह फिट हो जाएगा, तो मोदी जी अगर किसी का वेलकम करने के लिए कमल देते, तब तुम लोगों के चुन्ने काटने लगते, तुम लोगों के पेट में दर्द होने लगता। तो उन्होंने ऐसा एक अपना सिंबल चुना जो चाहे अनचाहे बेचाहे या जानबूझकर कहीं भी फिट हो जाता है, तो इसमें तुम्हारी काहे भरती है और तुम्हारी काहे जलती है। अब G20 में भी कमल आ गया, पार्लियामेंट की ड्रेस में भी कमल आ गया, अब विष्णु जी में भी कमल आ गया, अब तुम लोगों को हर जगह भाजपा ही भाजपा नजर आता है। अरे भैया G20 का कमल अलग था, जो बाई चांस मैंने आपको बताया उसकी थ्योरी अगर पढ़ोगे डिजाइनर्स की, तो जो 7 पंखुड़ियां थी
G20 में, वो 7 कॉन्टिनेंट्स के लिए थी। भाजपा का कमल अलग है, भगवान विष्णु जी का कमल अलग है। अब तुम इन सबको एक जगह अपनी चिड़ में जोड़ के बैठ जाओगे और डिबेट में आओगे तो तुम गरियाए नहीं जाओगे तो तुम्हारे साथ और क्या होगा। 82 में एशियाड हुआ, 82 में एशियाड हुआ, तो बहुत से तो अब नई पीढ़ी के लोगों को 82 तो बहुत पुरानी बात हो गई, पता नहीं होगा। उसका जो मॉस्कॉट था वो अप्पू था, बड़ा क्यूट सा, हम उसको हाथी का बेबी मान के चलते थे तब। आज अगर एशियाड हो और भाजपा उसी मॉस्कॉट को फिर से अप्पू ले आए तो तुम कहोगे भाजपा तो गणेश जी को लेके आ रही है, भाजपा हर जगह सांप्रदायिकता करती है, हिंदूवादी है, सनातन को प्रमोट करती है, क्योंकि इन्होंने अप्पू की जगह गणेश जी दिखा दिया किसी मॉस्कॉट की तरह। इतनी तुम लोगों की, इससे आगे तुम लोगों की सोच नहीं जाती और दोष देते हो तुम लोग मीडिया को। जब देश का बंटवारा हुआ था तो क्या ये पत्रकार थे? उस टाइम तो सोशल मीडिया भी नहीं था, किसने करवाया था बंटवारा? जब शाबानों के चक्कर में सांप्रदायिकता फैली थी और सड़कों पर जलूस निकले थे और रोहिंग्याओं के चक्कर में निकले थे, तब ये किसने करवाया था? आज तो मीडिया करवा रही है, 2014 से पहले दंगे कौन करवाता था? जो सवाल बार बार पूछता हूं, तब तो सोशल मीडिया था ही नहीं, तब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था ही नहीं, कौन कराता था? यार तुम लोग टीवी पर बैठकर बोलते हो कि बीबीसी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 6 महीने बाद बीबीसी कहती है हम इनकम टैक्स के रिटर्न्स को अपने रिवाइव करना चाहते हैं, 44 करोड़ की गड़बड़ी हो गई। तुम लोग को शर्म नहीं आती और मीडिया को दोष देते हो। G20 हुआ, खेड़ा कह रहा है कि पैसे की बड़ी बर्बादी हो गई और देश में तो गरीबी है, भुखमरी है, फलाना फलाना फलाना। जब तुम 1982 में एशियाड करा रहे थे तो सबके हाथों में क्या सोने के कंगन हुआ करते थे? जब तुम 2010 में कॉमनवेल्थ करवा रहे थे जिसमें करोड़ों लगे और खरबों तुम खा गए, तब क्या हर आदमी के, हर गरीब के हाथ में सोने का कंगन हुआ करता था क्या? और 3 वक्त की क्या जोमैटो खाने की डिलीवरी उसके घर पर किया करता था क्या? बताओ क्यों कराए थे कॉमनवेल्थ? बड़े जाहिल मूर्ख, कसम से 2 कौड़ी के लोग हो तुम लोग कि साहब G20 से फायदा क्या हुआ? पैसे लग गए। अबे 26 जनवरी की परेड में भी बहुत पैसे लगते हैं, वो भी बंद करवा दो ना। अबे उससे क्या फायदा होता है? क्या उससे नौकरियां मिलती हैं? उससे GDP बढ़ती है? उससे पर कैपिटा बढ़ता है? क्या उससे रोजगार मिलता है? मौकिक हो सकता है 1,000, 2,000, 5,000 आदमियों को मिलता हो। तुम 26 जनवरी की परेड भी बंद करवा दो, कॉमनवेल्थ तुमने करवाया, क्या मिल गया? करोड़ों के काम पे खरबों खा गए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की हालत देखो 2013 में क्या थी, सड़ रहा था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जो लेता हूं डेटा लेके आता हूं, तो वहां पर भी यही ज्ञान दे देते। यार तुम लोग इतने मूर्ख हो ना, अभी अपने घर में भी कोई कार्यक्रम होता है, कोई शादी ब्याह होता है, तो अपनी हैसियत से बढ़कर कपड़ा पहनते हो ना, अपनी हैसियत से बढ़कर पकवान वहां पर तैयार करवाते हो ना। ये मेहमानों से क्या कहते हो? ये हम तो दाल भात खाते हैं, लो तुम भी खा लो, ये कहते हो क्या? ये हम तो भैया घर में पजामा कुर्ता फटा पहने रहते हैं, तो हम शादी में भी पहन के आ गए ना। यार तुम लोगों को मोदी विरोध के लिए कोई कायदे की चीज मिलती ही नहीं, या अगर मिलती भी है तो तुम उससे पहले इतना अनैतिक विरोध कर चुके होते हो कि वो कायदे की चीज पर भी तुम जब बोलते हो तो मीडिया तुम्हारी सुनता नहीं है, फिर तुम जाके मीडिया का बेवकूफो बॉयकॉट करते हो। तुम लोगों की बदकिस्मती जो तुम आरोप मीडिया को देते हो 2 कौड़ी के प्रवक्ताओं, तुम लोग की प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें हर गेंद खेलनी है जो मोदी फेंक रहा है, तुम्हें हर गेंद खेलनी है जो मोदी फेंक रहा है। मोदी जी लिख दें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत तो तुम लोगों की मिर्चा लग जाती है। अबे गधे, अगर मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होता, मुझे किसी डिबेट में बुलाया जाता, पता है मैं क्या बोलता? मैं कहता भाई संविधान में इंडिया भी है, भारत भी है, कभी इंडिया यूज हो जाता है, कभी भारत यूज हो जाता है। मोदी जी ने इंडिया यूज कर लिया, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने इंडिया यूज, भारत यूज कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हमने जब यात्रा निकाली थी तो भारत यूज किया था, G20 में वापस इंडिया यूज हो गया, ये अलग अलग नाम है, हमें दोनों से प्यार है। अगर मोदी जी भारत शब्द यूज करना चाहते हैं हम उसका वेलकम करते हैं, ये तुम जवाब दे दो, उसके बाद देखें डिबेट आगे कैसे होगा। उसके आगे डिबेट बढ़ ही नहीं सकता, ब्लॉक हो जाएगा डिबेट। लेकिन तुम लोगों में ना इतनी अकल है, ना तुम्हारे इतना विजन है, ना तुम्हें यह पता है कि कौन सी अगर मीडिया गेंद फेंक भी रहा है
कौन सी वेल लेफ्ट करनी है, कौन सी ब्लॉक करनी है, किस पर पैड लगाना है, कौन सी राइट में मांगनी है, कौन सी लेफ्ट में मारनी है, हर गेंद मारने के लिए आगे निकल जाते हो, बल्ले में बॉल आती नहीं है, मोदी जी दूसरा और तीसरा फेंकने में माहिर हैं, या स्टंप हो जाते हो या खुद इतने पीछे आ जाते हो कि हिट विकेट हो जाते हो और फिर दोष देते हो कि पिच खराब है और ये जो पब्लिक बैठ के देख रही है वो खराब है। अबे जनता सब जानती है, जनता देख रही है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। मीडिया का बॉयकॉट करो कर दोगे, सोशल मीडिया का बॉयकॉट कैसे करोगे, इस बात का मेरी बॉयकॉट कैसे करोगे कि इंडिया और भारत के नाम पर कांग्रेस का क्या जवाब होना चाहिए था। एक लाइन में इस पूरे किस्से को तुम सीमेंट करके ढक के दफन कर देते, पानी डाल के पेड़ लगा देते, आर्गुमेंट ही ना हो पाता, तुम जलील ही ना हो पाते। पर तुम लोगों को शौक है, देखो जब तुम लिखवा के आए हो कि तुम्हें बेइज्जती करवानी है, जब तुम्हें बोलना है कि बीबीसी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जब तुम्हें बोलना है G20 में बहुत पैसा लग गया तो फायदा क्या हो गया, तो पैसा तो तुमने भी पीछे बहुत वेस्ट किया है ना, पर उसके भी फायदे बता दो। और सबसे बड़ी बात तो मैंने कहा ना, 26 जनवरी की परेड भी तुम बंद करवा दो, उसमें भी बहुत पैसे लग जाते। तो इतने जब तुम मूर्ख हो, तुम तो यार अगर मोदी जी 270 सीट जीतते हो ना, तो तुम तो धक्का मार मार के उन्हें 310 पहुंचा देते हो। तुम ऐसा ओपोजिशन हो इस देश का। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।